आज पूरे राष्ट्र ने कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रेस वार्ता में राष्ट्र के प्रति उनकी चुनौती को देखा अपनी प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने अपने पंद्रह साल के राजनीतिक अनुभव को जताते हुए यह ऐलान कर दिया कि 26 जनवरी को जो दृश्य देश ने दिल्ली में देखा वही हिंसा राहुल गांधी का मानना है कि जल्द ही राष्ट्र के हर शहर स्लम तक जनता देख पाएगी भारत की राजनीति में पहली बार शांति का आह्वान करने की बजाय अराजक तत्व देश में आग कैसे लगाएं? उसका आहवान करते हुए देश ने आज कांग्रेस के एक नेता को देखा 26 जनवरी में जो घटनाक्रम देश ने देखा उसमें 300 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के अफसर पर्सनल घायल हुए कई मीडिया कर्मियों पर हमले हुए यहां तक कि राष्ट्र ने वो दृश्य भी देखा जिसमें महिला पुलिस कर्मियों को घेर कर उनको मारने का प्रयास किया गया राष्ट्र नहीं भूलेगा वो मंजर जब मीडिया कर्मियों पर पुलिस के अधिकारियों पर ट्रैक्टर चलाकर उन्हें मारने की भी कोशिश की गई लेकिन आज राहुल गांधी के मुख से घायल एक भी पुलिसकर्मी के लिए सांत्वना के शब्द नहीं निकले आज राहुल गांधी के मुख से एक भी मीडियाकर्मी जिस पर हमला हुआ उनके प्रति संवेदना के एक भी शब्द सुनाई नहीं दिए राष्ट्र को आज मैं एक नागरिक और भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते कहना चाहती हूं राहुल गांधी वो नेता हैं जो चाहते हैं कि देशभर में कानून व्यवस्था भंग हो राहुल गांधी वो नेता हैं जो चाहते हैं कि अराजक तत्व देश में न सिर्फ तिरंगे का अपमान करें बल्कि देश को तोड़ने का भी दुस्साहस करें आज भाजपा की कार्यकर्ता देश की नागरिक होने के नाते मैं राष्ट्रभर से अपील करती हूं कि राहुल गांधी के जितने भी मनसूबे हैं उन्हें हम सबको मिलकर नाकामयाब करने होंगे टुडे द कंट्री विटनेस अ कॉल फॉर वायलेंस गिवन बाय दी Former president of the Congress party, Sri Rahul Gandhi. Exploring the fact, enunciating that he has 15 years of political experience, Mr. Gandhi gave a clarion call for violence across various cities, so much so that he included slums where the poor of our country live. Never before in our democratic history have we witnessed a political leader asking for the fire of violence to spread instead of seeking peace, instead of promoting peace. Mr. Gandhi today declared war upon the Indian people and said, that if his political stand is not supported by the prime minister of our country then cities will burn as a member of the bharatiya janata party as a citizen of this country i appeal to every indian citizen to ensure that rahul gandhi's call for violence is met with sustained peace that rahul gandhi's intentions to politically benefit from strife is defeated. What is shocking yet, but expected of Mr. Gandhi, is that over 300 police personnel of the Delhi police who were badly injured did not receive one word of support or consolation from Mr. Gandhi. There were new, numerous media personnel who were hurt on the 26th of January and the violence that was witnessed by the country at large. Not a word was spoken by Mr. Gandhi in protest against the behavior meted out to female police personnel or those police personnel and media personnel. Upon whom attacks were undertaken. I reiterate that though Rahul Gandhi will call for violence, we as citizens of India seek your support to ensure peace. Rahul Gandhi is insistent on creating political strife, but we know. That the citizens of India under one flag will ensure that law and order is maintained in our country. Thank you so much. And uh, we'll take only limited questions because uh, Smithiji has to rush for a meeting. So I would request Devendraji, yes, you wanted to ask something. राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस वार्ता में भले ही बॉर्डर का नाम ढंग से ना लिया हो उनसे अपेक्षा भी नहीं की जाती कि उनके पास तथ्य होंगे लेकिन जिस तरह से उन्होंने हिंसा का आह्वान किया जिस तरह से उन्होंने हर प्रदेश के हर शहर के लॉ एंड ऑर्डर के प्रशासन को चुनौती दी कि अगर उनकी बात को उनकी हिदायत को माना ना जाए तो देश भर में हर शहर में आग लग जाएगी मुझे लगता है आज राहुल गांधी का वो घिनौना चेहरा जो अराजक तत्वों के साथ खड़ा है वो राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो गया है धन्यवाद ही वुड वॉन्ट सम काइंड ऑफ एन एक्शन अगेंस्ट हिम सो दैट ही कैन प्रेजेंट हिमसेल्फ एज ए पोलिटिकल मैटर अ पर्सन हु डज नॉट हैव इनफ रिस्पेक्ट For the speech of the Honorable President of India, a person who does not give enough respect to the farming community of our country and is absent from the House when this legislation is discussed, a person who makes merry on taxpayers' time, of course, would want such kind of a declaration made by me on this public platform. But what should concern all of us as citizens is that. सच इज द डिप्रेविटी ऑफ राहुल गांधी पॉलिटिक्स दैट इनस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर पीसफुल रेजोल्यूशन ही हैज पॉइंटेडली सेड दैट हिंसा अब शहरों में स्लम तक फैलेगी किस प्रकार की राहुल गांधी तैयारी करकर बैठे हैं हिंसा को फैलाने के लिए उसकी जानकारी तो मेरे पास है नहीं लेकिन हा उनका मन क्या है उनकी मंशा क्या है आज उन्होंने स्वयं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको उजागर कर दिया है <tip> राष्ट्र के इतिहास में सबसे व्यापक एमएसपी का ऑपरेशन आप सबने इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखा मंडी सिस्टम को और सशक्त करने का नरेंद्र मोदी जी का कार्य भी गत छह वर्षों में आपने देखा आज स्वयं महामहिम राष्ट्रपति जी ने राष्ट्र को संबोधन में ये दोबारा से प्रतिस्थापित किया कि इन कानूनों के आने से पहले मंडी के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही थी वो जस के तस आज भी चल रही हैं। आभाव राहुल गांधी के पास जानकारी का इतना है कि बॉर्डर का नाम तक बदल देते हैं अभाव जानकारी का राहुल गांधी के पास इतना है कि जहां से वो वर्तमान में सांसद है वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था किसानों को दे नहीं सकते लेकिन आज उनकी मंशा मात्र बचकाने बोल बोलने की नहीं थी आज उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ देश में आग लगाने की थी जिसका हम पूर्णता खंडन करते हैं क्वेश्चन राहुल गांधी व्याकुल है कि दिल्ली पुलिस ने शांति का संयम का प्रदर्शन कैसे दे दिया राहुल गांधी ने एक शब्द दिल्ली पुलिस के उन अफसरों के बारे में नहीं बोला जो पंद्रह फीट की खाई में खदेड़े गए राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस की सराहना में एक शब्द तब नहीं बोला जब आज भी बॉर्डर पर एक एसएचओ के हाथों पर तलवारों से वार किया गया क्या राहुल गांधी ये नहीं मानते कि दिल्ली पुलिस में जो कर्मी काम कर रहे हैं वो सामान्य और गरीब परिवारों के बेटे बेटी हैं क्या उनके प्रति संवेदना व्यक्त करना एक साधारण नागरिक का नेता तो दूर की बात है ये काम नहीं था राहुल गांधी को दुख इस बात का है कि लाशों का ढेर नहीं बिछा इसलिए अब वो खुद देश में आग लगाना चाहते हैं <laughs> पार्टी के मंच से राहुल गांधी ने आह्वान किया है और क्या यह पहली बार है जब कांग्रेस ने निर्दोषों के खूनों से अपने हाथों को रंगने का प्रयास किया है कांग्रेस का तो इतिहास रहा है कि देश में बांटो लोगों को आग लगाओ ताकि वो अपनी राजनीतिक रोटियों उस आग पर सेक सके लेकिन देश की जागृत जनता राहुल गांधी के मंसूबों को कभी भी कामयाब नहीं होने देगी आज यही एक बार फिर निवेदन और यही विश्वास व्यक्त करने हम दोनों आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं थैंक यू धन्यवाद